नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हां, तो अमिताभ बच्चन के साथ काम करना हर किसी का सपना होता है। हर इंसान चाहता है कि एक ना एक बार महानायक अमिताभ बच्चन से वो जरूर मिले, उनके साथ काम करे, और अगर उनके साथ काम करने का मौका मिल जाए तो फिर कोई मना नहीं कर पाएगा। लेकिन बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए इनकार कर दिया था। उनका नाम है संजय दत्त। जी हाँ, आपको बता दें कि जब संजय दत्त को फिल्म ऑफर हुई खुदा गवाह, उस फिल्म को खुद संजय दत्त ने ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में अमिताभ की गेस्ट अपीयरेंस होगी। जी हाँ, इससे उन्हें दिक्कत थी। उन्हें लगा कि मेरी लीड रोल को उतनी ज्यादा अप्रोच नहीं मिल पाएगी जितनी ज्यादा अमिताभ के रोल को मिलेगी, और बार बार उन्हें अप्रोच करने के बाद भी संजय दत्त ने इस रोल के लिए मना कर दिया। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन इस रोल में एज अ गेस्ट आने वाले थे, इस फिल्म में एज अ गेस्ट आने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अमिताभ ने खुदा गवाह में लीड रोल निभाया। और बाद में जब संजय दत्त से इंटरव्यू में इस पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया था इस फिल्म को ठुकरा कर। आपको बता दें कि 2002 में जब कांटे फिल्म आई तो कांटे फिल्म के लिए संजय दत्त ने खुद अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया था कि वो इनके साथ इस फिल्म में काम करे। तो 2002 में कांटे फिल्म में एक साथ दिखे थे संजय दत्त और अमिताभ बच्चन, और उसके बाद कई फिल्में दोनों ने एक साथ की। लेकिन खुदा गवाह फिल्म में जब संजय दत्त को मौका मिला अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का, तो उन्होंने डायरेक्टली इस रोल के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये रोल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस फिल्म में आप अमिताभ बच्चन को एज अ गेस्ट प्ले रहे हैं, मेरे रोल को उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। उसके बाद संजय दत्त ने इस रोल के लिए मना किया था। आपका इस कहानी को लेकर क्या कहना है, इस वाक्य को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।